बसंतपुर नामक एक छोटे से गांव में लता और घनश्याम नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे पिंकी और चीकू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। घनश्याम सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और लता गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। आप भी ऐसे ही कार्टून वीडियो बनना चाहते हैं तो दोस्तों, जो आपने शुरुआत में देखा तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहेगा। आपके जो हाथ में मोबाइल है दोस्तों, उसी मोबाइल से आप आसानी से और सरल तरीके से दोस्तों अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हो। और प्ले स्टोर से दोस्तों उसे कैसे डाउनलोड करना है और आपके मोबाइल में कैसे वो वर्क करेगा और काम करेगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहेगा, चलते दोस्तों मोबाइल के होम स्क्रीन की ओर। सबसे पहले हमको उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको क्या करना, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है बाइबल ऐप फॉर किड्स। इस तरह से आपको लिखकर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने ये वाला ऐप जो है आ जाएगा। इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है, हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है जिससे आपका समय बच जाए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना, इस ऐप को देखना है, ओपन कर। सबसे पहला काम आपको क्या करना, यहाँ पर मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उस बैकग्राउंड म्यूजिक को इस तरह से आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक को ऑफ कर देना है और बैकग्राउंड म्यूजिक को ऑफ करने के बाद अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में आप कार्टून वीडियो बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं हिंदी में कार्टून बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। अगर आप इंग्लिश में कार्टून बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर इस एप्लीकेशन के बारे में आपने ध्यान से समझ लिया तो भाई आप फ्री में कार्टून बना पाओगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस कार्टून यहाँ से बनकर तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना, हिंदी पर आपको इस तरह से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करोगे आपके सामने जितने भी कार्टून है सारे कार्टून हिंदी में आ जाएंगे। यहाँ पर देखो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, कार्टून देखो हिंदी में है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्टून मिलेंगे। जिस भी कार्टून पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखो कार्टून आपके सामने ओपन हो जाएगा, पूरी की पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बालों की कहानी। ठीक है, अगर मैं दूसरे पर क्लिक करता हूँ तो देखो दूसरी कहानी कौन सी है, यहाँ पर देखो पत्थर गोफन और बड़ी बातें। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी आपको कहानियां मिल जाएंगी। यहाँ पर देखो बहादुर और सुंदर रानी। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो भी कहानी है सारी कहानी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जिस भी कहानी पर आपको कार्टून वीडियो बनाना है उस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, कहानी आपको पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो देख सकते हो बालों की कहानी जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है और जैसे कहानी डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर कार्टून कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो कहानी जो है हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पढ़े पर क्लिक करना है। जैसे आप पढ़े पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखो कहानी जो प्ले हो गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा अन्यथा आप यहीं पर गलती कर दोगे। जो लिखी हुई कहानी आपके सामने है उसे इस तरह से साइड कर देना। ठीक है, इस तरह से आपको साइड कर देना है और साइड करके यहाँ पर आपको करेक्टर को प्ले करना है। इस तरह से आप जैसे करेक्टर पर क्लिक करोगे करेक्टर जो प्ले करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको करेक्टर को प्ले करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना है। आपने अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया, अब यहाँ पर जो कहानी प्ले हो रही है आपको इस तरह से करेक्टर को प्ले करना है। ठीक है, प्ले करते जाओ, आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। जब ये पेज पूरा हो जाएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और दूसरा पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखो आवाज भी आ रही है, आपको वॉइस ओवर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगा, देखो वॉइस जो है आपकी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो वॉइस रिकॉर्ड हो गई। अब आपको करना है इसको इस तरह से साइड कर देना है और यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है आपको इस तरह से प्ले करना है। ठीक है, देखो प्ले हो रहा है, इस तरह से आपको करेक्टर को प्ले करते जाना है। ठीक है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके फोन में चल रही है, मतलब कार्टून जो है आपका रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद आपको कार्टून को एडिट कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पेज पूरा हो गया, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, दूसरे पेज पर क्लिक करना है। अब देखो दूसरा वॉइस ओवर हमारा हो रहा है। ठीक है, अब इसको साइड में कर देना है, साइड में कर दिया, अब इसको इस तरह से प्ले कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा कार्टून रिकॉर्ड कर लेना है। आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और पूरा कार्टून यहाँ से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। जब आपका कार्टून रिकॉर्ड हो जाएगा
फिर आपको इस कार्टून को एडिट करना है। एडिट कैसे करना है, एडिट आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बैक चलता हूँ, ठीक है। और वीडियो को एडिट करने के लिए हम यूज करेंगे काइन मास्टर एप्लीकेशन को। आप जिस भी एप्लीकेशन को यूज करते हो प्रोसेस लगभग सबका सेम होता है, आप किसी भी एप्लीकेशन से वीडियो को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना, आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, और क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको 16:9 सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है। उसके बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को सेलेक्ट करना है जो आपने रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 मिनट का रिकॉर्डिंग करके रखा है, क्योंकि यहां पर मैं अगर पूरी कहानी रिकॉर्ड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग फील होगी, ठीक है। आपको क्या करना, आपको स्टार्टिंग में जाना है। इस तरह से आपको स्टार्टिंग में जाना है। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर यहां पर वीडियो को स्किप करोगे तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे क्या होगा इसका वॉइस जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, आपको वॉइस को और इस कार्टून को दोनों को साथ में एडिट करना है। कैसे करना है, यहाँ पर देखो मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, यहाँ देखो कहाँ से बोलना स्टार्ट किया, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ से बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्टिंग का फालतू का पार्ट आपको कट कर देना है, आपको ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करना है, और ट्रिम लेफ्ट कर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग का फालतू का पार्ट हमने कट कर दिया। अब फालतू का पार्ट कट करने के बाद अब आपको क्या करना, कार्टून को प्ले करना है। अब कार्टून आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो कार्टून कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से जो है कार्टून हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना, यहाँ पर फालतू का पार्ट है, फालतू का पार्ट आपको ट्रिम लेफ्ट कर देना है, इस तरह से आपको कट कर देना है, और कट करने के बाद इस ऑडियो को स्टार्टिंग में लगा देना है, ठीक है। लगा दिया हमने, अब लगाने के बाद आपको एक बार प्ले करना है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो यहाँ पर, ठीक है। आपको कहाँ पर कट लगाना पड़ेगा, बेहद बुरा बर्ताव किया, ठीक है। यहाँ पर आपको कट लगाना, ठीक है, इस तरह से आपको कट लगाना है। चलिए यहाँ पर मैं कट लगा देता हूँ, ठीक है। आपको नीचे जाना है और ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करना है, और आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद जो हमारी कहानी है, अब हमको कहानी पर कट लगाना है। कहानी हमारी कहाँ तक है, यहाँ तक कहानी हमारी, ठीक है, यहाँ तक। आपको क्या करना, आपको ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करना है, और आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हमने कट लगा दिया। अब यहाँ तक कट लगाने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पर जो ऑडियो हमारा है वो ज़्यादा है, और कार्टून जो है हमारा कम है। आपको क्या करना, बीच में एक कट लगा देना, इस तरह से आपको कट लगाना है। आपको ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करना है, और आपको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद आपको इससे थोड़ा स्प्लिट कर देना है, इस तरह से आपको स्प्लिट कर देना है, इस तरह से आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और आपको डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जिससे जो है आपका जो ऑडियो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑडियो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आपको करना ऑडियो के बराबर आपको इस तरह से कर देना है। यहाँ पर देखो आपको ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करना है, और आपको ट्रिम राइट कर देना, ठीक है। फालतू का पार्ट हमने कट कर दिया। अब एक पार्ट जो है हमारा एडिट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना, दूसरा ऑडियो निकालना। दूसरा ऑडियो कैसे निकालना, यहाँ पर देखो वीडियो को प्ले करना है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कहाँ से कहानी शुरू होती है, देखो यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का फालतू का पार्ट आपको फिर कट कर देना है, इस तरह से आपको ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करना है, और आपको ट्रिम लेफ्ट कर देना है, ठीक है। लेफ्ट कर दिया हमने, और लेफ्ट करने के बाद इसको स्टार्टिंग में लेके जाना है, और यहाँ पर रख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको कर देना है, और करने के बाद आपको दूसरी कहानी प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी कहानी प्ले करना है, देखो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करना है, और आपको ट्रिम लेफ्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। उसकी बहन उसे देखती रही, ठीक है। यहाँ तक आपको कट लगाना, ठीक है। उसकी बहन उसे देखती रही, ठीक है। यहाँ पर आपको कट लगा देना है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करना है, और आपको ट्रिम कर देना है, और आपको कार्टून पर क्लिक करना है, और इसे भी स्प्लिट कर देना है, इस तरह से आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कार्टून बन गया है, ठीक है। दो पार्ट हमने एडिट कर लिया, ठीक है।
इसी तरह से आपको पूरा कार्टून एडिट करना है। चलिए हम इसको पूरे कार्टून को एडिट कर लेते हैं। तो वीडियो को हमने सही तरीके से ट्रिम एंड स्प्लिट करके सही तरीके से निकाल दिया है। जो भी फालतू के पार्ट थे, फालतू के पार्ट हमने ट्रिम करके निकाल दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लेना है, उसके बाद आपको इस वीडियो को एडिट करना है। यहां पर चलिए मैं सेव एज वीडियो पर क्लिक करता हूं और इस वीडियो को सेव कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर आपको किस तरीके से वीडियो को एडिट करना है वो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यहां पर जब तक मेरा वीडियो सेव हो रहा है तब तक के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो वीडियो जो है हमारा सेव हो चुका है। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको बैक चलना है और बैक चलने के बाद फिर आपको उसी वीडियो को सेलेक्ट करना है जो वीडियो अभी आपने सेव किया था। तो आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, 16:9 सेलेक्ट करना है, आपको क्रिएट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसी वीडियो को सेलेक्ट करना है जो अभी आपने सेव किया था। तो यहां पर देखो हमने उसी वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बैक चलना है इस तरह से, और बैक चलने के बाद अब यहां पर आपको पैन एंड जूम पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इक्वल पर क्लिक करना है। इक्वल पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो को इतना जूम करना है जिससे इस वीडियो में, मतलब इस कार्टून में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये दिखाई ना दे, तो आपको इस तरह से जूम करना है, ठीक है। इस तरह से ध्यान देना है, इस तरह से आपको जूम करना है, ठीक है, जिससे जो मतलब कार्टून में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दिखाई ना दे, ठीक है। इस तरह से आपको जूम करना है, ठीक है। जूम कर दिया हमने। जूम करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मिक्सर पर क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम आपको थोड़ा इस तरह से आपको बढ़ा देना है, ठीक है। वॉल्यूम को बढ़ा देना है। वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद आपको बैक चलना है और बैक चलने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंट्रास्ट को कर देना है 15-20 के आसपास कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको सैचुरेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 30-32 के आसपास करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वाइब्रेंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको 42 के आसपास कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको टेम्परेचर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको -80 के आसपास कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको साइडों पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 15-16 के आसपास कर देना, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है, आपको बैक चलना है। बैक चलने के बाद अब मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारा वीडियो बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर देखो, चलिए मैं आगे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर हमने दो गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ आपको नहीं करना है। पहली गलती, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है, हमने आपको बोला था बैकग्राउंड म्यूजिक को ऑफ कर देना है, यहाँ पर हमने इसे ऑन छोड़ दिया था, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती, जो यहाँ पर हम करेक्टर को प्ले करते हैं तो यहाँ पर टच वाला सिंबल दिखाई देता है, इसको हमने ऑन छोड़ दिया था, इसे भी ऑन छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टच हम करते हैं करेक्टर को प्ले करते हैं तो यहाँ पर देखो टच वाला सिंबल आता है, तो इसको ऑन नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाद बाकी देखो कार्टून हमारा किस तरह से बनकर तैयार हो चुका है, कितना ज़बरदस्त कार्टून बनकर तैयार हुआ है, जहाँ पर हमको ना तो अपना वॉइस डालना पड़ा और ना ही हमको करेक्टर सेलेक्ट करना पड़ा, ना ही आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ा, और कार्टून हमारा पूरा का पूरा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने आपको समझाया है, जब आप सही तरीके से इस कार्टून को बनाओगे, बार बार आप बनाओगे, तब आप सही तरीके से कार्टून को बना पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई खास कार्टून नहीं बना है। जब आप फुर्सत में बैठकर सही तरीके से कार्टून को बनाओगे तो भाई साहब यहाँ से एक नंबर का कार्टून बनेगा। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कार्टून देखा, उसको मैंने फुर्सत में बैठ के बनाया था। अब इस कार्टून को सेव कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है और इस कार्टून को सेव कर लेना है। अब जो कार्टून हमारा सेव हो चुका है, इस कार्टून को हम यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सही तरीके से फुर्सत में बैठकर कार्टून को बनाओगे, यहाँ से बार बार बनाओगे, तो प्रैक्टिस करते रहोगे, तो भाई सही तरीके से अच्छा कार्टून बना पाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया, वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अगर आप बार बार यहाँ पर कार्टून बनाओगे तो आप सही तरीके से कार्टून को बना पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चैनल आईडिया आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलते हैं।